रुचु, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें लिखा है, एक कार्यादेश दो प्रक्रियाओं में से गुजरता है। प्रथम प्रक्रिया का उत्पादन क्षय और उपोत्पाद कम करने के पश्चात दूसरी प्रक्रिया में कच्ची सामग्री हो जाता है। तो ये बात तो हमें पता ही है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब जाता है, पहली प्रोसेस से जो कुछ भी तैयार होगा वो दूसरी प्रोसेस के लिए तो रॉ मटेरियल ही होता है। समस्त उपोत्पाद कारखाने से ही बेच दी जाती है। बाय प्रोडक्ट जो होता है ना, उपोत्पाद का मतलब हो गया बाय प्रोडक्ट जो है वो बेच दिया जाता है, बाय प्रोडक्ट सोल्ड। अब उसके बाद में लिखा है, फैक्ट्री के अभिलेखों से निम्न तथ्य प्राप्त हुए। इस प्रोसेस आपके दो हैं, प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस और सेकेंड प्रोसेस। रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1000 टन एट 30 a ton, तो 30 × 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ये इनपुट हो गया मटेरियल का। फिर वेजेज है, फैक्ट्री ओवरहेड है, वेस्टेज बाय में आ जाएगा और सेल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी बाय में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ वेजेज है, तो वेजेज दिया हुआ है 25,000, तो इसका 80% निकालो कितना होता है, 20,000 होता है ना। और इधर 20,000 है, उसका 75% 15,000 होता है, तो ये भी आपके इसमें आ जाएगा। उसके बाद में आगे देखो, वेस्टेज टन में दे रखा है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और 190 टन एट कॉस्ट प्लस 20%, ये कहता है सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 190 टन बेचता है एट कॉस्ट, यानी जो उसकी कॉस्ट थी उसमें 20% जोड़कर, तो ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट कितनी आती है उसमें। और 25 टन एट कॉस्ट प्लस 25%, तो दोनों में ही आपके कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 25% दिया है, तो ये इसमें नया है इस सवाल में अगर हम बात करें तो। अब उसके आगे देता है, दोनों प्रक्रियाओं के खाते बनाइए, प्रत्येक चरण पर उत्पादन लागत और उपोत्पाद की बिक्री पर लाभ प्रदर्शित कीजिए, और ये इसके आपके आंसर दिए हुए हैं। तो आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उसके आधार पर सवाल किया जा सकता है। स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, और फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट में यूनिट और अमाउंट के दो कॉलम होते हैं। सबसे पहले लिखे टू मटेरियल, और ब्रैकेट में लिख दो इनपुट, और उसमें आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि 1000 यूनिट है और 30 रुपए से है, तो 1000 × 30 30,000 अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद में टू वेजेज पहले में है 25,000, तो पहले वाला लिखेंगे। फिर उसके बाद में लिखा है टू ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो एट द रेट कितना परसेंट दिया हुआ है, 80%, तो 80% ऑफ वेजेज है, तो वेजेज 25,000 का 80% कितना होगा, 20,000। उसके बाद में बाय में लिखना है, बाय वेस्टेज, उसमें लिखा हुआ क्या है, कितना टन लिखा हुआ है, वेस्टेज में 10 टन लिखा हुआ है, तो बाय वेस्टेज यहाँ पे लिख दे 10 और यहाँ पे लिख दे नील, क्योंकि इसकी कोई प्राइस दे नहीं रखी है तो नील लिखा जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, वो उसने प्रश्न में कहा कि 190 यूनिट बेचता है, तो 190 लिख के छोड़ दो। फिर बाय सेकेंड प्रोसेस, तो सेकेंड प्रोसेस में ट्रांसफर होता है तो कितना होगा, 1000 में से 10 और 190 घटाएंगे तो 200 कट जाएंगे, तो 800 यूनिट ट्रांसफर होगा। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? यहां तक जैसे हमेशा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। अब हमने को कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, तो कॉस्ट पर यूनिट बराबर इधर की टोटल में से इधर घटाएंगे और इधर की टोटल में से ये घटाएंगे,
वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज जिसे बोलते हैं, तो इधर का टोटल करें कितना होता है, 75,000। उधर निल है इसलिए घटाने के लिए कुछ नहीं है, अपॉन 1,000 माइनस 10। सॉल्व करें कितना आता है, 990 का भाग दे दो, 75.75। आगे कुछ है क्या, 75 है ना, तो इसको 76 कर लो, 75 75 75 था ना, तो ये 75.6 हो जाएगी, ये कॉस्ट आ गई। सही है, तो कॉस्ट आ गई, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 190 है ना, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ 190 यूनिट, तो वो आपकी हो जाएगी 190 इंटू 75.76। कितना होता है, कैलकुलेट करें जल्दी से, 14,394। ये कॉस्ट आ गई ना, 0.4 है तो छोड़ दो, बोले ये लिखो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉस्ट आई है। प्रश्न में कहा है कि कॉस्ट में कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ने को बोला है, पहली प्रोसेस में 20%, तो प्लस करो प्रॉफिट, बीस परसेंट कितना होता है इसका, 20% 2879। पॉइंट में कुछ है, हाँ तो 9 कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितना होता है, टोटल देखो ये कॉस्ट थी, सही है, ये प्रॉफिट है, तो सेल्स आ जाएगा, तो जोड़ो कितना आता है, इन दोनों को जोड़ दो, 17,273 कोई दिक्कत बच्चों, हो गया ना सवाल। अब ये जो बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे आप लिख दो 17,273। समझ में आया बेटा, ये स्टार पॉइंट लगाना इसको, यानी मेन चीज ये थी, आसान है। अब इधर जो प्रॉफिट था ना, वो इधर टू में लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट ये हमने निकाली था 2879। बस ये इतना ही सवाल है बच्चों। अब आपके इधर का टोटल और इधर का टोटल लगाना है, तो इधर का टोटल हो गया 1,000, इधर भी 1,000, और इधर का टोटल हमने 75,000 लगाया हुआ था, 2800 और जोड़ दो, 77,879। इधर भी लिख दो 77,879, तो ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, तो 77,879 में से ये घटा दो 17,273, 60,000, 60,606। कोई दिक्कत बच्चों, इसमें 800 का भाग दे दो, यही आएगी कॉस्ट, चेक कर लो, 60,606 में 800 का भाग दो, ये आया ना, इसका मतलब हमारी सारी चीजें सही। किस किस को समझ में आया फर्स्ट? अब सेकंड इसी का ही रिपीटेशन है, देखो सेकंड प्रोसेस अकाउंट, सबसे पहले यहां पे लिख दो टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, वहां से 800 यूनिट आया और 60,606 रुपए में आया। अब उसके बाद में आगे के खर्चे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल है नहीं, वेजेज है सीधा, टू वेजेज 20,000, टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये कितना परसेंट है, 75%, तो 20,000 का हो जाएगा 75%, 15,000। बस ये दो ही चीजें हैं, इस तरफ आ जाओ बाय वेस्ट, तो वेस्ट कितना दे रखा है, 15 टन, और यहाँ पे नेट, फिर बाय सेल ऑफ
तो वो आपके 85 यूनिट है, सही है। उसके बाद में बाय फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स आपके इधर 800 हुआ है ना, तो 800 में से 85 और 1500 घटा दो तो 700 यहाँ ले, सही है। इसमें भी वही तरीका अपने को लगाना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट सीपीयू, तो इधर तक का टोटल लगाओ उसमें से ये घटाना है और इधर का टोटल लगाओ इसमें से ये घटाना है, कितना होता है 95,606 माइनस निल डिवाइड बाय 800 माइनस 15, तो ये 785 हो गया। भाग देने पे कितना आता है 121.79, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया। और 85 यूनिट है तो सेल ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो वो आपके 85 इंटू 121.79 कितना होता है 10,352.15। इसमें एड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना परसेंट है 25% है, 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट अपने पास है ही है, इसी का ही 25% निकालो, तो 10,352.15 का 25% कितना आता है 25803, लिख दो यहाँ पे राउंड कर देंगे तो सेल्स आएगा 12,940, पूरा कर दो कोई दिक्कत नहीं, 40 कर दो ठीक है, तो 12,940 सेल्स आया, तो इसे आप यहाँ लिख दे 12,940, यहाँ पे स्टार लगा दें। अब इधर लिख देंगे कि टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो वो हमने निकाला कितना 2,588, बस इतना ही सवाल है। इधर का टोटल 800, इधर का आपका कितना होता है बेटा 95,606 में 2588 जोड़ो तो हाँ 98,194 जोड़ के बताए, इधर भी आपके 800 और इधर 98,194 और यहाँ पे आपके आ जाएगा कितना 85,254 और इसमें इसका भाग दे के देखो वापस ये आना चाहिए 85,254/700 ठीक है ना। तो ये सवाल यहीं समाप्त होता है प्यारे बच्चों, आंसर भी सारे मैच हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है एक प्रक्रियांकन इंजीनियरिंग कारखाने में एक उत्पाद तीन विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तो प्रक्रिया फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड और प्रोसेस थर्ड, तीन हो गए। इससे पहले कि वह बिक्री के योग्य बने नीचे दी गई सूचनाओं से उत्पाद का विक्रय मूल्य निकालिए, अपने को सेलिंग प्राइस और बताना है, तो सेलिंग प्राइस बच्चों सबसे लास्ट में आती है, तीनों प्रोसेस खत्म हो जाती है ना उसके बाद में सेल्स का काम रहता है। यदि उसके कारखाना मूल्य पर यानी जो कॉस्ट थी उस पर 25% बढ़ाकर लेना चाहता है तो कॉस्ट प्लस 25% अपने को सेलिंग प्राइस निकालने में करना है। अब आपके सबसे पहले दिया हुआ इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल 4.05 पर केजी, तो वो 1,00,000 आपके केजी कहता है, तो 1,00,000 केजी है तो इसको इससे गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4,05,000, तो ये 2 में आ जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट इन ईच प्रोसेस 5% और 5%, ये हम निकाल लेंगे। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अगली प्रोसेस में ट्रांसफर कितना होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है।
लेबर एंगेज्ड या आपके लेबर का खर्चा दे रखा है। उसके बाद में वेरिएबल ओवरहेड परसेंटेज ऑन लेबर, तो ये परसेंटेज दे रखा है ना, तो ये लेबर का परसेंटेज दे रखा है ना, तो लेबर का परसेंटेज है, तो 14,000 का 150% कितना होता है? अभी हाथों हाथी बता दो तो लिख देता हूँ, ये 21,000, तो ये संख्या में बदल गया, इसका 120% निकालो, 21,000, और इसका 100% निकालो, 32,000 ही होगा, हो गया। अगला है फिक्स ओवरहेड परसेंटेज ऑन लेबर कॉस्ट, तो वो भी लेबर कॉस्ट का ही परसेंटेज है, तो लेबर कॉस्ट कहाँ है, यही है, इसी का ही 250% निकाल दो, कितना होता है, 35,000, इसी का ही 140% कितना होता है, 24,500, और इसका 200% 64,000। तो रुपए में कन्वर्ट हो गया ना, सवाल पढ़ते समय ये कन्वर्ट कर दिया, तो ये बस अपने लिए संख्याएं हो गई। स्टॉक हेल्ड बैक एट द प्रोसेस, इस प्रोसेस में स्टॉक रख लिया जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा दो इस पर। तो इतना इतना स्टॉक रख लिया जाता है, ये केजी में है। ऑल्सो प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, अपने को प्रोसेस अकाउंट बना। तो इस सवाल में नया बात यह है कि कुछ स्टॉक भी रोका जाता है हर प्रोसेस में, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। और इसके आंसर जो है वो आपके आता है कॉस्ट पर केजी से दे रखा है, 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए और सेलिंग प्राइस 10 रुपए, ये इसके आंसर दिए हुए जो अपने को कैलकुलेट करने हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हम पहले बना रहे हैं प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल, मटेरियल इनपुट, तो स्टार्ट में आपने कितना मटेरियल लगाया, तो 100,000 kg था और 4.05 के रेट से गुणा करने पर 405,000 आएगा, तो यहाँ पे लिखना है 100,000, तो यहाँ पे 405,000। उसके बाद में टू मटेरियल के बाद में लेबर, वो आपके 14,000, टू वेरिएबल ओवरहेड कितना परसेंट है, 150% ऑफ लेबर है, कितना होता है, 21,000, टू फिक्स ओवरहेड कितना परसेंट है, 250% ऑफ लेबर, तो कितना, 35,000। यहाँ तक तो बेसिक प्रश्न जो हमारे दिया हुआ था वो था। अब आपके नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, कितना परसेंट है, बाय नॉर्मल लॉस एट द रेट 5%, तो 5% होता है 5,000, इस 100,000 का निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नील, तो जिसकी कोई अमाउंट नहीं दे रखी है, बाय प्रोसेस सेकंड जो है, बाय प्रोसेस सेकंड, वो भी दिया हुआ है 90,000, अमाउंट अपने को लिखनी पड़ेगी, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक रखना है 4,000, ये दिया हुआ है, ये हमारे लिए न्यू है इस सवाल में, स्टार लगा सकते हैं आप इसको, सही है। अब फिर भी अंतर आ रहा है, देखो 1,000 का, तो उसे आप लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो गया 1,000, बस ये इतना ही सवाल है बच्चों। अब अपने को इसमें करना क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो नीचे लिखिए यहाँ पे सीपीयू, यहां तक की टोटल करेंगे, उसमें से ये घटाएंगे, यहां की टोटल में से ये घटाएंगे, तो यहां तक का टोटल कितना होता है, 4,00,000, 4,75,000, उधर तो कुछ है ही नहीं तो निल हो गया, और डिवाइड में यूनिट में से यूनिट, तो 100,000 माइनस 5,000 कितना आता है, 5 रुपए, ये आंसर दिया हुआ है बच्चों, हो गया ना पहला आंसर, और इस 5 रुपए से इन तीनों की गुणा हो जाएगी, ये भी 5 रुपए एट द रेट, ये भी एट द रेट 5 रुपए, और ये भी एट द रेट 5 रुपए, तीनों को 5 रुपए से ही गुणा करवा दो,
तो कितना आ जाएगा, 9 × 5 450,000, और इसका 4 × 5 20,000, और 5 × 1,000 5,000 बराबर आएगा दोनों तरफ। टोटल लगाओ, यूनिट में 1,00,000 और इधर 4,75,000, इधर भी 1,00,000 और इधर टोटल 4,75,000 आता है। 4,75,000 आसान है बच्चों, है ना। प्रोसेस सेकंड अकाउंट, तो प्रोसेस सेकंड अकाउंट में भी वही सेम टू प्रोसेस फर्स्ट, सबसे पहले तो वहां से जो आया वो लिखेंगे, कितना ट्रांसफर होके आया 90,000 और रेट 4,50,000। उसके बाद में नेक्स्ट टू, अब खर्चे लिखने हैं, तो लेबर दिया हुआ है कितना 17,500, तो लेबर 17,500, फिर टू लेबर के बाद में वेरिएबल ओवरहेड कितना परसेंट है, 120% ऑफ वेजेज है, कितना होता है 21,000, और फिर टू फिक्स ओवरहेड कितना परसेंट है, तो 140%, 24,500 सही है। अब उसके बाद में बाय नॉर्मल वेस्ट कितना है 5%, तो 90,000 का 5% 4,500, और नील कर दो इधर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर लिखना है बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट, दिया हुआ है प्रश्न में 80,000 गिवन, बाय बैलेंस सीडी, ये न्यू मतलब क्लोजिंग बैलेंस है, कितना कहा हुआ है गिवन बेटा 4,000, और क्या अब भी अंतर आता है, नो, तो इधर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और इसमें आप बीएफ शब्द लिख दिया करो, बैलेंसिंग फिगर 1,500, अंतर के कारण से आता है। और इसमें भी अपने को कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो जल्दी से लेते हैं 90,000 इधर, और इधर भी 90,000 लिख दो, ये तो हिसाब पूरा हो गया। इस तरफ अपने सीपीयू निकालना पड़ेगा, तो सीपीयू बराबर यहाँ तक की टोटल में से ये घटाओ नॉर्मल वाला, यहाँ पे इसमें कुछ है नहीं तो घटाने के लिए जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लिखे 4,50,000, सॉरी कितनी अमाउंट है टोटल, तो लगाओ 5,13,000, ये बच्चों यहां तक की टोटल है, इसमें से ये अमाउंट में से अमाउंट घटाते तो इधर निल है, तो निल लिख दो, डिवाइड बाय क्या करना है, यूनिट में से यूनिट घटानी है, तो 90,000 माइनस 4,500 कितना आता है 6 रुपए। तो अब आपको ये तीन है ना, ये देखो ये भी 6 रुपए से लेना है, ये भी 6 रुपए से लेना है, और ये भी 6 रुपए से लेना है, तो गुणा कर दो कितना आता है 6 × 8 4,80,000, 4 × 6 24,000, और 15 × 4 6,000 9,000, और टोटल कितना आ जाएगा दोनों तरफ का 5,13,000, इधर भी 5,13,000। कोई दिक्कत बच्चों, आसान है। नेक्स्ट प्रोसेस थर्ड, तो उसमें सबसे पहले लिखो प्रोसेस सेकंड अकाउंट, कितना दिया हुआ है 80,000, और अमाउंट में 4,80,000। उसके बाद में इसके खर्चे लिखने हैं, तो टू लेबर है क्या, वेजेज या लेबर,
कितना है? 32,000, 32,000। उसके बाद में टू, वेरिएबल ओवरहेड कितना परसेंट है? ओवरहेड में है 100% पहला, तो वो 32,000 ही हो जाएगा। और दूसरा फिक्स ओवरहेड है, वो आपके 200% है, कितना? 64,000। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा सवाल हो गया। अब इधर लिखो, बाय नॉर्मल वेस्ट एट द रेट कितना परसेंट है? 5%, तो 8×5=40, 4,000 होता है। यहाँ पे निल लिख दो। फिर उसके बाद में अब देखो, यहाँ पे सीध और कुछ नहीं लिखा हुआ प्रश्न में, इस तरफ थर्ड में लिखा हुआ है क्या? ना स्टॉक लिखा हुआ है, ना कुछ और, तो ना ये भी लिखा हुआ है कि कितना होगा, तो इसका मतलब इसमें और कुछ नहीं है, सीधा प्रोडक्शन ही आएगा। तो बाय फिनिश गुड्स, गुड्स और बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, समझ गए? क्योंकि अन्य कोई बात लिखी नहीं है, इवन प्रोडक्शन भी नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, इसका मतलब सारा का सारा प्रोडक्शन हुआ, वेस्टेज नहीं हुआ, सही है ना? तो इधर का टोटल 80,000, 6,00,000, 8,000, इधर भी 80,000 और 6,00,000, 8,000। यहाँ पे 80 में से 4,000 जाएंगे तो 76,000, और अमाउंट में 6,08,000। ये हमने बैलेंसिंग फिगर से लिया है। और अब आप यहाँ पे सीपीयू ले सकते हैं, तो सीपीयू हो जाएगा 6,08,000 डिवाइड बाय 76,000, कितना आता है? 8। आंसर आ गया। तो ये भी अब प्रश्न में पूछा है कि आपके सेलिंग प्राइस पूछी है क्या? देखिए बताना। हाँ, केवल सेलिंग प्राइस पूछी है, तो लिखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट बराबर आपकी हो जाएगी कॉस्ट प्लस कितना परसेंट है? 25%। तो कॉस्ट है 8 रुपए प्लस 25% 8 का, वो आपके होता है 2 रुपए, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 10 रुपए। ये इतना ही सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो हेडिंग है वो है आपके अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट और सेपरेट कॉस्ट, ये क्या कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। होता ही है कि कई बार जैसे हम प्रोडक्ट कोई तैयार करते हैं, तो उस प्रोडक्ट में एक स्तर पर खर्चे जो है वो समान रूप से लगे, और उसके बाद में उसमें दो प्रोडक्ट बन गए, और दो प्रोडक्ट बन गए तो फिर उनपे सेपरेट खर्चा और करना पड़ा। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं बात करूं, तो जैसे प्रोसेस ये होती है कि दूध होता है, दूध से ही आपके क्या होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो दूध का खर्चा एक हो गया, उसको गर्म करने का खर्चा एक हो गया, है ना, लेबर उस पे लग रही है वो एक जैसी हो गई, तो वो जॉइंट कहलाते हैं। अब उसी दूध से हमने क्या चीजें तैयार करी? दही तैयार किया, उसी से हमने मावा तैयार किया, उसी से हमने मलाई तैयार करी, उसी से हमने घी तैयार किया, एक ही चीज था ना। तो कुछ खर्चे तो उसपे जॉइंट लगे, कि जब सिर्फ दूध पे काम हो रहा था तो सब पे जो खर्चे थे वो उसके क्या हो गए? कॉमन हो गए। तो कॉमन खर्चों को ही हम जॉइंट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और सेपरेट एक्सपेंसेस क्या हुए कि जब दो प्रोडक्ट अलग अलग हो गए, एक मलाई आ गया और एक माखन आ गया, तो उसमें दोनों में हमने और प्रोसेस किया ताकि उसको और अच्छा तैयार कर सके। तो जब अलग होने के बाद में जो खर्चे किए वो सेपरेट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, कि हमें कुछ खर्चे और करने पड़े। तो ऐसा समझ में आता है कि जॉइंट खर्चे क्या है, कि जब तक कॉमन खर्चे लग रहे थे तब तक वो जॉइंट खर्चे कहलाते हैं, कॉमन से जब प्रोडक्ट अलग अलग हो गए तो उसमें और खर्चे करने पड़े, वो सेपरेट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये जो दो शब्द है, जॉइंट एक्सपेंसेस और सेपरेट एक्सपेंसेस, ये आपका हुआ। हेडिंग है अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट कॉस्ट है उसको आप अलग अलग कैसे करोगे, ये अपने को इसमें देखना होता है या सीखना होता है, तो वो अपने इस प्रश्न में देखेंगे। देखो इसमें दिया हुआ है,
एक किसी कारखाने में एक्स रसायन का उत्पादन किया जाता है तथा उत्पादन की प्रक्रिया में वाई उत्पादन भी निर्मित होता है। तो बनाना तो एक्स था, लेकिन साथ में क्या बनेगा, वाई भी बनेगा, ये तय है, होगा ही। ऑब्वियस दूध गर्म होगा तो मलाई होगी ही, उसका कोई इश्यू है ही नहीं, तो दोनों एक साथ चलते हैं। अलग होने पर इसका कुछ व्यापारिक मूल्य है। वो कहता है कि जब वाई को अलग कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू है मार्केट में। तो जैसे छाछ हो गई, दही के साथ में क्या हो गया, छाछ बनेगी, तो वो एक उसका अलग पार्ट हो गया, या कुछ भी जो भी इसकी प्रोसेस होती है। मार्च 2013 में इस प्रकार से लागत के तथ्य दे रखे हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तीन खर्चे दे रखे हैं और ऊपर हेडिंग लिखा है ज्वाइंट एक्सपेंसेस, यानी जब आप प्रोडक्ट को तैयार कर रहे थे तो इतने खर्चे ज्वाइंट लगे थे, और उसके बाद में इधर दे रखे हैं आपके सेपरेट एक्सपेंसेस, यानी जब आप उसको तैयार कर रहे थे तो सेपरेट एक्सपेंसेस और लगे, एक्स में इतना खर्च करना पड़ा ये, और वाई में ये खर्च करना पड़ा। सेलिंग प्राइस पर टन, तो एक्स की सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है लेकिन वाई की सेलिंग प्राइस अपने को दे रखी है, 200 टन दे रखी है, ये इसका स्टार पॉइंट है। आउटपुट, एक्स प्रोडक्ट तो 100 टन तैयार होता है जबकि वाई प्रोडक्ट कितना तैयार होता है, 50 टन तैयार होता है। आगे लिखता है, यह मानते हुए कि वाई उत्पादन पर लाभ लागत मूल्य पर 33% है, तो लागत पर 33% यानी 33% ऑन कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ हो कभी भी, तो इसका मतलब है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 200 दे रखी है, तो 200 का 25% कितना होता है, 50, तो 200 सेलिंग प्राइस है, उसमें प्रॉफिट है 50, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 150। ये अपने को सीखने की बात है। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ एक्स पैटर्न, अपने को एक्स की कॉस्ट पैटर्न निकालनी है क्योंकि वाई की तो हमने कैलकुलेट कर ली, 150 आती है, तो ये आंसर तो यहाँ पे हो गया कॉस्ट पैटर्न में एक्स वाई का, तो ये रहा 150, हो गया ना 150। एक्स का कैसे निकालेंगे ये अपने को करना है, और शेयर ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस एक्स का कितना होगा और वाई का कितना होगा, वो सेपरेट शेयर भी अपने को बताना है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों सवाल को। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इसमें दिया हुआ है कि मटेरियल, तो यहां पे लिखेंगे टू मटेरियल, और इसमें देखो ज्वाइंट खर्चा दिया हुआ है 10,000 और एक्स का अलग से दे रखा है 2,000, तो दोनों जोड़कर लिखेंगे क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो यही होता है, तो 10,000 प्लस 2,000 करेंगे तो कितना हो गया, 12,000। समझ में आ रहा है। फिर मटेरियल के बाद में टू लेबर, तो लेबर में भी क्या करेंगे, ज्वाइंट खर्चा है 4,000 प्लस आपका दे रखा है 2,500, तो 6,500 ज्वाइंट और सेपरेट दोनों जोड़ दिए एक्स के, और टू ओवरहेड, तो ये आपके ज्वाइंट का दे रखा है 2,500 और सेपरेट में कितना दे रखा है 1,400, जोड़ो कितना होता है 3,900। यहां तक कोई दिक्कत है, ऐसा लिखना है ज्वाइंट एक्स का। अब इसमें हमें ये बात तो पता है कि ज्वाइंट खर्चा जो है उसमें एक्स और वाई दोनों के लिए लगा हुआ है, अगर हम वाई को अलग कर ले तो बाकी जो बचा वो किसका रह जाएगा, एक्स का। ये थ्योरी इसमें काम में आएगी, तो यहां पे आप सबसे पहले लिखे वाई के खर्चे भी अब लिखना शुरू करेंगे, तो लिखे टू मटेरियल, केवल वाई का कितना है 2,800, फिर लेबर ये भी केवल वाई का 2,500, फिर टू ओवरहेड ये भी वाई का कितना है 1,000, हो गया। अब इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दे रखा है किसकी, वाई की, हमने प्रश्न में देखा ना 200 रुपए पर यूनिट से, तो हमने उसकी कॉस्ट भी निकाल ली थी 150, तो इधर लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ वाई, तो वो हमने निकाल ली थी 200 माइनस 25% कर दिया था हमने, तो 150 आई थी, है ना, तो एट द रेट 150, और प्रोडक्शन कितना हुआ था इसका,
50 टन हुआ था ना, तो 50 यूनिट से गुणा कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी इसकी 7,500। सही है। तो अब आप देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई ना, इसमें हमने क्या किया, अब देखो यहां पे सवाल इसको कंप्लीट इधर करेंगे, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास है 7,500, जबकि यहां तक तो 7,500 होता ही नहीं है, कितना होता है यहां तक का टोटल 5,000, 2 2 4 और एक 5 5 और एक 6 6,300। तो इसका मतलब सेपरेट खर्चा तो 6,300 लगा, तो इसका मतलब जॉइंट खर्चा कितना लगा, तो हम कह रहे हैं कि टोटल तो 7,500 लगा था, 7,500 में से 6,300 घटा दो तो यहां पे लिखेंगे 2 जॉइंट एक्सपेंसेस, इसको जॉइंट नहीं बोल के बोलेंगे शेयर, शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस, यानी इसके हिस्से में जॉइंट का जो खर्चा है वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा कितना 1,200। समझ में आ गया बच्चों, है ना भाई, जब इसकी टोटल कॉस्ट ही 7,500 है जिसमें से यहां तक केवल 6,300 लगी, तो बाकी खर्चा कौन सा था, जॉइंट का खर्चा था, तो वो जॉइंट हमने अलग कर लिया ना, इस सवाल का मेन पार्ट ये है, और यहां पे टोटल लिख दो 7,500। अब हमें ये बात पता चल गई कि जॉइंट का जो खर्चा था ना उसमें वाई का तो केवल 1,200 ही था, है ना, तो बाकी किस किस का हो गया, एक्स का, तो एक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये जॉइंट का खर्चा टोटल देखो दे रखा है 10,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500, ये तीन जॉइंट खर्चे दे रखे हैं, इसमें से वाई का शेयर घटा देंगे 1,200, तो कितना आता है 10 और 4 14 और 2 16 500 माइनस 1,200 कर दो कितना आता है 15,300। ये किसका खर्चा है, जॉइंट एक्सपेंसेस, जॉइंट एक्सपेंसेस शेयर ऑफ एक्स, एक्स के हिस्से में 12,300 आया, 15,300 आया और वाई के हिस्से में 1,200 आया। यहां तक ये बात भी समझ में आती है, दोनों आंसर दिए हुए। अब आप देखो यहां पे आओ, ये सवाल हमने छोड़ा हुआ था, हमने ये कहा कि जॉइंट और सेपरेट दोनों जोड़ दो, अब दोनों जोड़ दिया तो हम इसमें से यदि वाई का लेस कर दे तो पीछे जो बचेगा वो किसका होगा, एक्स का होगा, तो लिखेंगे बाय वाई प्रोडक्शन अकाउंट, और इसके ब्रैकेट में लिख दो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, ये हमने 1,200 रुपए इसके लगे। अब समझ में आ गई बात, इधर हमने उसका सारा खर्चा लिखा था ना, जॉइंट प्लस एक्स का खर्चा, जो जॉइंट का खर्चा देखो ये 1 ये 2 और ये 3 लिख दिए थे, इसकी टोटल है 16,500, 16,500 में से 1,200 इस तरफ लिख दिया वाई में, तो पीछे कितना बच गया, ये देखो 15,300। लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब जो खर्चा है वो सारा किसका है, इसमें एक्स का ही बचा, अब आप इधर लिखो बाय, इधर की टोटल लगा लो बच्चों, डिफरेंस आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वाई अकाउंट, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्स अकाउंट, एक्स का ही कॉस्ट कैलकुलेट होगा बैलेंसिंग फिगर से, कितना था इधर का टोटल बताया ना, ये तो 22,400, इधर भी 22,400, इसमें से 1,200 घटा दो 21,200, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। और अब आप सीपीयू निकाल लो, तो सीपीयू आ जाएगा सीधा सीधा 21,200 डिवाइड बाय कितनी यूनिट थी इसकी, 100 यूनिट थी क्या, 100 यूनिट थी, तो 100 से भाग दे दो तो 212 ये कॉस्ट आ जाएगी। आंसर क्या क्या दिया हुआ है, ये देखो प्यारे बच्चों, ये आपका 212 आंसर आ गया, 150 आ गया, शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस एक्स का 15,300 आ गया और वाई का 1,200 आ गया, सारे आंसर हो गए। बस ये इतना ही सवाल है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।